नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिव्यांग महिला को स्टार्टअप के लिए तुरंत मिलेगी लाखों की रकम। इन जिलों में अब ग्रामीण एसपी की होगी तैनाती। तीर्थयात्रियों को नहीं देना पड़ रहा है मेला शुल्क। पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। हरभजन का बड़ा बयान, विराट का ओपनिंग करना शायद राहुल को पसंद न आए। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। आखिरकार नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच आज से नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया की भी शुरू हो चुकी है। जिन जिन भी नगर पालिकाओं में चुनाव पहले चरण में होना है और आज से नामांकन के लिए उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने के लिए पर्चा भरवाने जा सकते हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आप नामांकन ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। बात अगर पटना जिले की करें तो यहाँ पहले चरण में 12 निकायों में चुनाव होना है, जिनमें नगर परिषद संपतचक, मसौढ़ी, बाढ़, खगौल, दानापुर, निजामत, मुकामा, फुलवारी शरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर, बेहटा शामिल हैं। वहीं नगर पंचायत में पालीगंज और पुनपुन के लिए आज से नामांकन किया जाएगा। इन जिलों में अब ग्रामीण एसपी की होगी तैनाती। महागठबंधन की सरकार कानून व्यवस्था से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में होने वाली हिंसक घटनाओं को लेकर बिहार सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने बिहार के फिलहाल 11 जिलों में ग्रामीण एसपी की तैनात करने का फैसला किया है। मालूम हो कि पटना जिले में पहले से ही ग्रामीण एसपी की तैनात हैं और अब पटना के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सारण, रोहतास, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय और मुंगेर में भी ग्रामीण एसपी का पद होगा। दिव्यांग महिला को स्टार्टअप के लिए तुरंत मिलेगी लाखों की रकम। बिहार में अब दिव्यांग भी आत्मनिर्भर बनेंगे, खासकर वैसे दिव्यांग जो महिला हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार सरकार दिव्यांग महिलाओं को विशेष सुविधा देते हुए उद्योग स्थापित करने के लिए उन्हें तुरंत 10 लाख रुपए तक की योजनाएं मुहैया कराएगी। दरअसल बीते दिन उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ महिला उद्यमी सरकारी समिति की ओर से स्थापना दिवस एक्सपो का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिव्यांग महिला अपनी स्टार्टअप योजना के लिए विभाग में आती हैं तो उन्हें तुरंत 10 लाख रुपए तक की योजनाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कराया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उद्यमी योजना की वेबसाइट पर जाना होगा, वहीं ऑफलाइन के लिए आपको कार्यालय जाना होगा। तीर्थयात्रियों को नहीं देना पड़ रहा है मेला शुल्क। पितृपक्ष का महीना शुरू है। इस दौरान गया और पुनपुन में पितृपक्ष मेले के दौरान सफर करने वाले रेल यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार पितृपक्ष मेला के दौरान लगने वाला रेल टिकटों पर मेला शुल्क समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि पितृपक्ष मेले के दौरान साल 2018 में मेला शुल्क शुरू किया गया था, जिसके बाद रेल यात्रियों की मांग के बाद इसे बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले कि साधारण टिकट पर 100 किलोमीटर के अंदर 5 रुपए तो 100 किलोमीटर के अधिक दूरी पर 10 से 15 रुपए मेला शुल्क लगता था। बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता, कोर्ट ने मांगा जवाब। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में अनियमितता का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। आरोप यह है कि बीपीएससी ने इस परीक्षा के लिए एक स्तर पर 28 महिला अभ्यर्थियों को बैठाया था, जिनमें 24 महिला अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा पास कर ली है और अब इस मामले पर बीते दिन कोर्ट में सुनवाई करते हुए कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा गया है। पटना हाईकोर्ट ने इसका जवाब 2 हफ्तों में यानी 14 अक्टूबर को देने को कहा है। आपको बताते चले कि यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 620 के तहत ली गई थी, जिसे अब रद्द करने की मांग शुरू हो गई है। इसकी परीक्षा 5 और 6 मार्च को हुआ था। डाक विभाग ने कैंप लगाकर सैकड़ों बच्चियों के खोले खाते। शहरी क्षेत्र के हर बच्ची को सुकन्या योजना से जोड़ने के लिए डाकघर की टीम शहरों के स्कूलों में कैंप लगा रही है। इसकी शुरुआत 29 अगस्त से हो चुकी है और अभी तक डाकघर टीम ने 35 स्कूलों में जाकर करीब 500 बच्चों के खाते खोले हैं। प्रधान डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर आशुतोष आदित्य ने कहा कि 2 सप्ताह में 10,000 से अधिक खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर सुकन्या और PPF खाता खोलने के लिए पहल की जा रही है। आपको बताते चले कि सुकन्या समृद्धि योजना निवेश बचत योजना है, जिसमें 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के माता पिता उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश कर सकते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए विद्युत कर्मियों पर ग्रामीणों ने उठाया झाड़ू। बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंचे विद्युत कर्मियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। यह घटना राजधानी पटना के विक्रम थाना क्षेत्र का है, जहां बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने घर घर पहुंच रहे विद्युत कर्मियों को महंगा पड़ा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाने का जिद कर रहे विक्रम थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा के उपभोक्ता और विद्युत कर्मी में तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि महिलाओं ने घर से झाड़ू निकाल लिया और विद्युत कर्मियों को भगाना शुरू कर दिया।
किया। यही नहीं, इस दौरान बिजली कर्मियों के स्मार्ट मीटर भी ग्रामीणों ने गायब कर दिए, ऐसा बिजली कर्मियों का कहना है। वहीं इसको लेकर बिजली कर्मियों ने विक्रम थाना में इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई है। इन क्षेत्रों में आज हो सकती है बारिश। बिहार में मेहरबान मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय है। आज सुबह से ही सूरज की तपिश देखने को मिली, लेकिन बाद में बारिश के बौछारों ने भिगोया। इस दौरान उत्तर बिहार के जिलों में छिटपुट बारिश देखने को मिली है और दक्षिण बिहार में भी बारिश की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि दक्षिण बिहार में लोग इससे पहले उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन बारिश होने के बाद लोगों ने राहत भरी सांस ली। मौसम का यह सिलसिला अगले 2 दिनों तक बना रहेगा। वहीं आगामी 12 सितंबर से राज्य में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञानियों की माने तो राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व जिलों के 1 या 2 जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। इस दिन होगा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। हाल ही में संपन्न हुई जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पार्टी के सदस्यता अभियान 8 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद पंचायत से राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव शुरू हो जाएगा। इसके लिए राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े को निर्वाचित पदाधिकारी बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। चुनाव को लेकर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। जल्द ही अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों की भी घोषणा की जाएगी। पटना साहिब के प्रधान अवतार सिंह हित का निधन। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रधान सरदार अवतार सिंह का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पटना साहिब के प्रधान जत्थेदार व शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता अवतार सिंह हित का निधन दिल्ली में हुआ। जानकारी के मुताबिक अवतार सिंह आज सुबह स्नान ध्यान और पूजा पाठ कर बैठे ही थे कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने के दौरान ही उनका निधन हो गया। आपको बताते चले कि अवतार सिंह का जन्म पंजाब के सुल्तानपुर लोधीपुर में हुआ था। उनके निधन पर पटना साहिब प्रबंधक कमेटी ने गहरा दुख जाहिर किया है। केंद्र सरकार बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है। बिहार की महागठबंधन सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है। दरअसल बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा विभाग का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 21-22 में समग्र शिक्षा अभियान पर 14,000 करोड़ से अधिक खर्च हुआ। इसमें केंद्र को 8,500 करोड़ देना था, लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ 3,550 यानी कि 3,550 करोड़ दिए हैं। शेष 10,500 करोड़ से अधिक खर्च राज्य सरकार ने खुद उठाए। यही नहीं, विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार को जानबूझकर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बिहार में कर्ज लेने की जो सीमा है उसमें भी कटौती कर दी गई है। वहीं इस आरोप को खारिज करते हुए भाजपा नेता और पूर्व वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मैं भी वित्त मंत्री रहा हूं। भारत सरकार के द्वारा राशि देने में 15 दिन से महीने दिन तक विलंब हो सकता है, लेकिन बिहार को नियमित तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा राशि भेजी जाती है। सीमांचल क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अटकलों को भाजपा ने किया खारिज। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के कुछ जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की खबर तेजी से उठ रही थी, जिसे भाजपा ने अब खारिज कर दिया है। दरअसल बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सह राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस तरह की अटकलों को खारिज करते हुए बताया कि ये दुष्प्रचार है कि सीमावर्ती इलाके को यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। यह पूरी तरह से गलत और निराधार है। इस तरह का कोई इरादा बीजेपी और केंद्र सरकार का नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके मजबूत सक्षम रहे इसकी कोशिश है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई गृह मंत्री जाकर 2 दिन तक उस इलाके में रहेगा। लालू नीतीश एक साथ करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात। बीते दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर अपना बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात करने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव दोनों एक साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। मालूम हो कि नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए दिल्ली में नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। हालांकि सोनिया गांधी इस दौरान दिल्ली से बाहर विदेश में थी, इस वजह से उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हो पाई थी। हरभजन का बड़ा बयान, विराट का ओपनिंग करना शायद राहुल को पसंद ना आए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के सेंचुरी के चर्चे चारों तरफ हैं। विराट की सेंचुरी की खास वजह यह भी रही कि वो करीब 3 साल से अपने फॉर्म से जूझ रहे थे। इसके बाद उन्होंने एशिया कप 2022 के सुपर चार मुकाबले में शतक की पारी खेलते हुए 122 रन बनाए। मालूम हो कि रोहित की गैर मौजूदगी में कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ KL राहुल के साथ पारी की शुरुआत की थी। इसी को लेकर हरभजन ने कहा कि उन्होंने यानी
विराट ने फ्रेंचाइजी टीम के लिए पारी की शुरुआत की है जब वो आरसीबी की कप्तानी किया करते थे। आरसीबी के लिए जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी तो उस सीजन में 921 रन बना डाले थे। तो यह जो भूमिका है उनके लिए नई तो नहीं है, यह जो जगह है उनको पसंद आती है। वैसे तो विराट से पारी की शुरुआत करवानी बहुत ही कमाल का आइडिया है, लेकिन इस बात को लेकर पक्का नहीं हूँ कि राहुल इस चीज को लेकर आगे बढ़ने के पक्ष में होंगे या नहीं। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शनिवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,554 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 117 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 46 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 1,03,142 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 142 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, शंकर मुखिया, अनवर करीम खान, कविता कुमारी, भान प्रकाश मौर्य, निशा कुमारी, राजकुमार प्रसाद, नीतीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार मेहरा, मुटु रंगेला और गुंजा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप बिहार सरकार द्वारा हर घर में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की योजना से संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।